आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे बोला कि कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन इन अ कैथोड रे ट्यूब स्ट्राइक ऑन एनोड व्हेन 30,000 वोल्ट इज ऑपरेटिंग बिटवीन कैथोड एंड एनोड ऑफ द ट्यूब। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है 9 × 10⁻³¹ kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी हमें गिवन है 1.6 × 10⁻¹⁹ kg। अब हम उसने हमसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, तो इस केस पे हमारे पास क्या होगा कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ मूविंग वेलोसिटी से मूव करेंगे, कुछ वेलोसिटी वी से मूव करेंगे, तो उस केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा हमारे पास वो इक्वल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे पास क्या होता है, ई वी नोड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 1/2 mv². यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू मतलब ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मुझे यहाँ से वी नोड की वैल्यू मुझे गिवन है 30,000, तो मुझे यहाँ पे चार्ज की वैल्यू गिवन है, तो मैं इसका लिख सकता हूँ 30 × 10⁻³ इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹ इज इक्वल टू 1/2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना है 9.1 × 9⁻³¹⁹ इंटू में वी स्क्वेयर। तो मुझे यहाँ से सिर्फ सॉल्व करना है इसको, तो यहाँ से मैं वी स्क्वेयर को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 × 30 × 1.6 × 10⁻³¹⁹ कितना हो जाएगा -16, और बाय में यहाँ पे कितना होगा 9 × 10⁻³¹⁹। तो अब मुझे, मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो ओवरऑल आंसर आएगा वो आएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 32 × 60 × 1.6 × 10⁻⁻¹⁹ बाय में 9 × 10⁻³¹⁹। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ एक बार, तो मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो मैं फर्दर सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा 96 बाय में 9 × 10⁻³¹⁹ को ऊपर लेगा तो कितना आएगा मेरे पास 15। अब इसका अंडर रूट मुझे निकालना है, तो यहाँ से मैं इसको ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 10.6 × 10⁻⁵। तो मैं मुझे अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ तो मेरे पास ये 14 बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻¹⁴, और यहाँ पे अंडर रूट रहेगा पूरे केस में। तो अब मेरे पास ये फाइनल आंसर आएगा वेलोसिटी का, तो यहाँ से मेरे पास जो वेलोसिटी मैंने सॉल्व की तो मेरे पास जो वेलोसिटी का फाइनल आंसर कितना आएगा 10.29 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा फाइनल आंसर है वेलोसिटी के लिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।